नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कैसे खत्म होगी आर्थिक परेशानी? नौकरी में समस्या कैसे होगी खत्म? कैसे मिलेगा संतान सुख? पारिवारिक कलह से कैसे मिलेगी मुक्ति? शनि ग्रह की महादशा कैसे होगी कम? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। सनातन धर्म में ऐसी साधनाओं और व्रतों का उल्लेख मिलता है जिसके करने से साधक और श्रद्धालु अपने निहित उद्देश्यों और मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया व्रत निश्चित ही फलदायी होता है। हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत हैं जिनके करने से व्यक्ति अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्रतों में एक है प्रदोष व्रत, जिसका सनातन धर्म में अहम स्थान है। ऐसे में आज हम अपने प्रोग्राम में प्रदोष व्रत की बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिरकार प्रदोष व्रत में भगवान शिव की आराधना कैसे करनी चाहिए और इसका महत्व आखिरकार क्या है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए सबसे पहले कि भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। जी, अगर आपने सभी तरह के जप कर लिए हैं, आपने सभी तरह के तप भी कर लिए हैं, व्रत भी आप कर चुके हैं और नियम भी लगातार पालन कर रहे हैं, देव पूजन के, देव आराधना के, मतलब हर वो काम आप कर लिए हैं अपने भाग्य को जगाने के लिए जो आप कर सकते थे, जप तप व्रत नियम, लेकिन इसके बाद भी आपके गृहस्थ जीवन में किसी भी तरह का दुख दिखाई देता है, संकट बना हुआ है, पारिवारिक क्लेश से पीड़ित हैं, तमाम तरह के प्रयास के बावजूद भी आर्थिक परेशानी आपके दरवाजे पे ही खड़ी है, हर समय पारिवारिक कलह से मन में तनाव बना हुआ है, यहाँ तक कि संतान आपकी आज्ञा का पालन नहीं करती है, संतान का सुख अभावग्रस्त हो गया है, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें मन नहीं लगता है, नौकरी में ऑफिस के लोग तनाव देते हैं, कारोबार में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा कुछ उनसे गलत हो रहा है जिसे वो ठीक करके इन तमाम परेशानियों का एक हल निकाल सकते हैं, मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, यह जो सृष्टि बनी है त्रिआयामी सृष्टि है, यहाँ पे आप देखेंगे तो हर रंग तीन रंगों से रंगा हुआ है, सत रज और तम। सतोगुण प्रवृत्ति मतलब सात्विकता, रज मतलब राजसी और तम मतलब तामसिक, अंधकार से संबंधित है, लेकिन तम का बहुत विस्तृत अर्थ होता है, यहाँ सिर्फ इतना जानिए कि तम का अर्थ अंधकार से होता है। तीनों गुणों के आधार पर सृष्टि में तीन देवताओं को स्थान दिया गया, सत में इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, रज में इस सृष्टि के पालनकर्ता श्री विष्णु और तम महादेव जो सृष्टि के विनाश का कारक बनते हैं, संहार करता है, जो सृष्टि के पहले थे सृष्टि के अंत में भी वही रहेंगे, आदि हैं अनंत हैं, सब कुछ स्वयंभू कहा जाता है। ऐसे में इन्हीं स्वयंभू की आराधना करने से जो तमाम आपके दोष हैं, जो तमाम आपकी पीड़ा है, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। वैसे महादेव की तो हर तिथियां महादेव की हैं, महादेव का हर दिन महादेव का है, कभी भी किसी भी अवस्था में एन केन प्रकारेण आप महादेव की उपासना आराधना पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब किसी विशेष संकल्प की सिद्धि करनी है, जब कोई विशिष्ट इच्छा मनोकामना की पूर्ति करनी है, जब आपको किसी लक्ष्य को लक्षित करके संधान करना है, तब जरूरत पड़ती है नियम की, तब जरूरत पड़ती है दृढ़ अनुशासन की, तब जरूरत पड़ती है दृढ़ संकल्प शक्ति की और तब जरूरत पड़ती है विशेष तिथियों की, विशेष वार की और विशेष समय परिस्थिति की। तो महादेव की उपासना वैसे तो आप कभी कर सकते हैं, लेकिन जो महादेव को सबसे अति प्रिय है, उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है, उसे कहा जाता है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत पर अगर आप जप दान और व्रत करेंगे तो आप यकीन जाने जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, आप पहले से शिव पूजन कर रहे हैं लेकिन वो फलित नहीं हो रहा है, तो प्रदोष के दिनों का व्रत करिए, प्रदोष के दिनों का पूजन करिए, प्रदोष के दिनों का अर्चन करिए, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा की गई साधना पूजा का जो फल है वो अनंत गुना बढ़ जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में
संतान भाव निर्मल है, पंचम भाव पीड़ित है, राहु वहाँ बैठा है, संतान का सुख नहीं हो रहा है, संतान बार बार जो है आपकी आज्ञा की अवहेलना करता है, आपके मननुकूल व्यवहार नहीं करता है, आपको संतान सुख मिलने में विलंब हो रहा है या बाधा आती है, तो ऐसे लोगों को प्रदोष का व्रत करना चाहिए और छोटी सी भूमि का टुकड़ा या भूमि के निमित्त कहीं धन दान करना चाहिए। कहीं मंदिर आदि का निर्माण हो रहा है तो उसमें धन का आदि का सहयोग करना चाहिए और प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। भूमि का संबंध मंगल से है तो मंगल को ठीक रखने के लिए, पंचम भाव को ठीक रखने के लिए भूमि का दान आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। बड़ा भूमि का टुकड़ा दान नहीं कर सकते तो जहाँ मंदिर या ऐसी कोई सार्वजनिक संस्था का निर्माण हो रहा है वहाँ आप सहयोग कर सकते हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जब शनिवार आए, याद रखें त्रयोदशी तिथि होनी चाहिए, शनिवार का दिन होना चाहिए, यह कॉम्बिनेशन बहुत अनिवार्य है, और उस दिन से पूरे साल प्रदोष व्रत का संकल्प करें और संध्या के समय शिवलिंग का अभिषेक करके सत्तू घी और शक्कर का भोग लगाएं। आठों दिशाओं में देखिए, वैसे होती तो चार दिशाएँ हैं लेकिन चार कोनों के साथ आठ दिशाएं और फिर आकाश और भूमि, यह कुल दस दिशाओं को बताया है वास्तुशास्त्र में, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ आठ दिशाओं में आठ दीपक जलाने की बात कही गई है। ईशान से शुरू करके ईशान, पूर्व, अग्नि, पश्चिम, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य और उत्तर, इन आठों दिशाओं में आप आठ दीपक जलाएं। नंदी को जल और दुर्वा अर्पित करें, उनके सींग और पूंछ का स्पर्श करने के बाद उनसे अपनी प्रार्थना करें। पूजन के पश्चात आप महादेव के साथ उनकी जीवन संगिनी माता पार्वती, जो इस सृष्टि में सौभाग्य की देवी हैं, मंगल की देवी हैं, साक्षात मंगला गौरी हैं, स्कंद की माता हैं, उनके साथ शिव पार्वती की आरती करें। यह पूरा पूजन का जो विधान है प्रदोष के दिन अगर श्रद्धा पूर्वक कर लिया जाए तो जो भी आपके जीवन का कष्ट और पीड़ा है उन तमाम पीड़ा और कष्ट से आपको जरूर मुक्ति मिलेगी, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो पंडित जी ने आपको बताया कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव की आराधना कैसे करनी चाहिए, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कैसे प्रदोष व्रत का व्रत करना चाहिए और किस दिन व्रत करना शुभ फल देता है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए जी। अभी हमने आपको संतान के सुख की प्राप्ति के लिए, पारिवारिक क्लेश से मुक्ति के लिए किस प्रकार से, किस विधि विधान से प्रदोष के दिन भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए ये बताया। धन की देवी कही जाती हैं माँ महालक्ष्मी। इस संसार के समस्त चल और अचल संपत्ति की अधिष्ठात्री है माता महालक्ष्मी। ऐसे में माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष के व्रत को करना चाहिए। शुक्रवार महालक्ष्मी का दिन कहा जाता है। शुक्र ने चूंकि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्त्रोतों की रचना की तो इसलिए शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष के व्रत किए जाएं तो महालक्ष्मी की प्रीति और कृपा मिलती है। दिन के संध्या के समय भगवान शिव को दही से, पंचामृत से या गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। केसर, लाल और सफ़ेद चंदन, देवदारू, कपूर, गुग्गुल और इसके साथ अश्वगंध को लेकर के माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए अपने घर में हवन करना चाहिए। देखिए महालक्ष्मी के कई मंत्र हैं लेकिन जो सबसे विशिष्ट मंत्र कहा जाता है वह है माता महालक्ष्मी का सूक्त, स्त्री सूक्त। स्त्री सूक्त में कुल 16 मंत्र होते हैं जो मैंने आपको अभी आहुति की सामग्रियाँ बताई, इन्हें इकट्ठा कर लें, इन्हें मिक्स कर लें, उसके बाद इन्हीं मंत्रों से आपको आहुति देनी। मंत्र कौन से हैं? हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह। यह त्रिशुक्त का पहला मंत्र है। इसमें 16 मंत्र हैं इसी तरह से और आखिरी मंत्र है यह शुचि प्रयतो भूत्वा जो ही यादा जमन्वहम सूक्तम पंचदशर्चम च श्री काम सततम जपेत। इन्हीं 16 मंत्रों से 16 आहुति आपको देनी है। ऐसा करने से धन, संपत्ति, सौभाग्य और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी।
इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली आपको ज्ञात है, आपने अपनी जन्म कुंडली बनवा रखी है और आपकी जन्म कुंडली में शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा वैसे तो ठीक नहीं कही जाती है, लेकिन अगर भाग्येश है या पंचमेश है तो निश्चित रूप से शुभ फल करेगी। लेकिन अगर कहीं यह शनि आपके लिए द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है और इन्हीं तीन में से किसी स्थान में बैठा है, द्वितीय में, सप्तम में या अष्टम में, तो ऐसे में निश्चित जानिए शनि आपके लिए मारक फल देने वाला है, कुछ न कुछ सेहत को ख़राब जरूर करेगा। तो ऐसे में शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु जीवन के लिए, किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव हेतु आपको मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करना चाहिए। मृत संजीवनी मंत्र का जाप आप स्वयं भी कर सकते हैं या जो लोग जानकार हैं, जो इस मंत्र को पहले से कर रखे हैं, जिनको इस मंत्र के बारे में ज्ञान है, ऐसे योग्य ब्राह्मण विद्वानों से इस मंत्र को जरूर करवाएं। उसके पश्चात आप आहुति भी दें। शनि की दशा में तमाम जो रुकावटें आ रही हैं वह कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी। दशा परिवार के लिए कष्टकारक हो सकती है, तो ऐसे में क्या करना है, शुक्ल पक्ष में आपको प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत करने से समस्त प्रकार के पारिवारिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आपको उस प्रदोष व्रत के दौरान शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी कराना चाहिए। रुद्राभिषेक मतलब होता है, रुद्र मतलब भगवान भोलेनाथ, अभिषेक मतलब स्नान कराना। तो ऐसे में आप कुशोदक से, मतलब जल में कुशा डाल के, दूध से या गन्ने के रस या किसी भी अपने जो आपके पास उपलब्ध सामग्री है उससे, नहीं तो केवल जल से भी आप शिव जी का अभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का जप होता है, मतलब वो पाठ बोला जाता है और उन मंत्रों के बोलते हुए जल से या दूध से अभिषेक किया जाता है। रुद्राष्टाध्यायी का एक संग्रह है 8 अध्याय का, उसी 8 अध्याय का पाठ किया जाता है। ऐसे में शनि की दशा का जो आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है वह भी ठीक होता है। अगर शनि की दशा चल रही है, शनि लग्नेश होकर के या द्वितीयेश होकर के या खष्टेश होकर के कहीं ना कहीं आपको पीड़ा प्रदान कर रहा है, तो ऐसे में किसी शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष का व्रत आप जरूर करें और शिवलिंग का कच्चे दूध में काला तिल मिला करके उससे अभिषेक करें। यह कच्चा दूध और काला तिल का जो संग्रह होता है कहीं ना कहीं शनि पीड़ा से मुक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा जब आप अभिषेक करते रहें तो अभिषेक करने के दौरान ओम नमः शिवाय का जप करें। यह महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं या महिलाओं के लिए शिवाय नमः का विधान है, दो में से कोई भी जब आप करें, दोनों शिव की प्रीति के लिए ही किया जाता है। शनिवार के दिन आप हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है और हनुमान कवच का पाठ किया जाता है। ऐसे में हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता कहे जाते हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि की शक्ति है उनके पास, किसी को प्रदान करने, उनके पास नहीं है, वह किसी को दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा वर उनको माता जानकी ने दिया है, माँ स्वयं जगदम्बा सीता ने उनको दिया है कि यदि आप चाहें तो अपने किसी भक्त को, अपने किसी चाहने वाले को आप अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का सुख वरदान प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे में मंगलवार या शनिवार के दिन अगर हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाए तो समस्त प्रकार के आपके जो दुख हैं, जो आर्थिक संकट है, जो शिक्षा में असफलता है, या शनि की दशा चल रही है, शनि की कोई पीड़ा चल रही, उससे आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि शिव की आराधना कैसे करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन अब जानते हैं पंडित जी से कि शनि के प्रकोप को शांत करना हो तो कैसे प्रदोष व्रत का व्रत करना चाहिए, नौकरी या व्यापार में परेशानी हो तो पंडित जी कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो नौकरी पेशा लोग हैं, बताइए हमारे दर्शकों। अभी तो हमने आपको शनि की दशा से मुक्ति के लिए कुछ शिव जी और हनुमान जी संबंधित उपाय बताए, लेकिन शनि के प्रकोप को शांत करने के लिए प्रदोष व्रत का नियम बहुत आदिकाल से कहा गया है। प्रदोष व्रत रखते हुए लोहा, तिल, काली उड़द, शकरकंद, मूली, कंबल, जूता, कोयला, ये जो शनि की वस्तुएं हैं, इनके दान करने का विधान है। प्रदोष व्रत के दौरान प्रदोष काल में ही दान करना चाहिए। इससे शनि से उत्पन्न होने वाले रोग, क्लेश, दरिद्रता, घर की अशांति, नौकरी व्यापार में जो समस्या है, परेशानी है, वह शिव कृपा से जरूर दूर हो जाएगी।
अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष कहा जाता है लग्ने व्यज पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्ता विनाशाय भर्ता कन्या विनाशाय, मतलब अगर आपकी जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में भाव मंगल है तो निश्चित रूप से आप मांगलिक दोष की कुंडली है। जो लोग मांगलिक हैं, अन्यथा मंगल जिनका नीच राशि में 6, 8, 12 में बैठा है, बार बार शारीरिक चोट चपेट लग जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कभी पैर में चोट लग गई, कभी हाथ में जो है चोट लग गई, कभी दरवाजे में उंगली आ गई, किसी तरह से ठोकर लग गई, तो ऐसे में कुंडली में मंगल ग्रह की अशुभता को ठीक रखने के लिए, जो मंगल ग्रह अशुभ होकर के आपकी सेहत पर खराब असर डाल रहा है, आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि मंगल अग्नि का कारक है और जब तक शरीर में प्राणाग्नि जल रही है तब तक ही शरीर में श्वास चलेगी, तब तक शरीर में जीवन संभव है। जिस दिन यह प्राणाग्नि बुझ जाएगी उस दिन यह जीवन शांत हो जाएगा, शरीर शांत हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी शरीर। तो ऐसे में मंगल को ऊर्जा का कारक माना गया है, तो शरीर में मंगल का बैलेंस ठीक रखने के लिए, आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए वो बताता हूँ आपको। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को व्रत जरूर करना चाहिए, व्रत के साथ साथ शिव जी से संबंधित मंत्रों का जप करना चाहिए, मंगल के संबंधित वैदिक मंत्र ओम अग्निर्वधा दिवह ककुत्पति पृथिव्या अयम अपागंग रतागंग सजिन्वति, यह मंगल का वैदिक मंत्र है, इसका जप करना चाहिए, या ओम अंग अंगारकाय नमः का भी आप जप कर सकते हैं। इससे जहाँ मंगल की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, वहीं आपके अंदर जो जीवन की ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है, वह प्रज्वलित होगी, आप दीर्घायु होंगे। संध्या के समय शिवलिंग का शहद से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि शहद से अभिषेक करने से रोग मुक्ति होती है, दीर्घायु जीवन मिलता है। भौम प्रदोष का एक शब्द आता है शास्त्र में, भौम मतलब मंगल, प्रदोष मतलब प्रदोष, अर्थात ऐसा प्रदोष जो मंगलवार के दिन पड़े उसमें आप संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, गुड़, तांबे का बर्तन, इन वस्तुओं का दान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। ऐसे बच्चे जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, याद करते हैं किंतु बार बार भूल जाते हैं विषय, परीक्षा में जब लिखने जाते हैं बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, यहाँ का क्वेश्चन वहाँ लिख देते हैं, यहाँ का आंसर वहाँ कर देते हैं, ऐसे में उनके जो परीक्षा का फल आता है वो ठीक नहीं आता है, कुछ न कुछ गड़बड़ उनसे जरूर होती है हर बार। तो ऐसे में ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए वो बताता हूँ। अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बुधवार के दिन, बुध वाणी का देवता है, शिक्षा ज्ञान का देवता, एकेडमिक कैलेंडर उसी का अच्छा होगा जिसकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति होगी, क्योंकि बुधस्य बुद्धि, बुध से ही बुद्धि मिलती है, बुध और बुद्धि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची कहे जाते हैं। तो ऐसे में बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष का व्रत ऐसे बच्चे जरूर करें, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि शिव ज्ञान स्वरूप है, शिव ने ही संसार में व्याकरण को जन्म दिया है, संस्कृत के जो मूल 14 अक्षर हैं, जो 14 सूत्र हैं, अयोड ऋलिक योड, ये जो जिनसे पूरे व्याकरण की रचना हुई है, इस संसार में जितना भी ज्ञान दिखाई दे रहा है उसी चिदानंद भगवान भोलेनाथ शिव की कृपा से, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप हैं। संध्या के समय शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक अगर ऐसे बच्चे करें और उनके ऊपर 3 बेलपत्र, जनेऊ, सफ़ेद चंदन, धतूरा चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो निश्चित रूप से शिक्षा में सफलता मिलेगी, बार बार मन के भटकाव के स्थिति से मुक्ति मिलेगी, एकाग्रता आएगी, जो विषय आप भूल जाते हैं पढ़ने के बाद उसमें भी आपको राहत मिलेगी। कपूर से शिवलिंग की आरती करें, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर की आरती इसीलिए कही गई है कि भगवान शिव का स्वयं स्वरूप कपूर के वर्ण के समान है। जिन लोगों के काम में बार बार अड़चने आती हैं, उनके विरोधी, उनके प्रतिस्पर्धी उनका काम बिगाड़ देते हैं, विरोधियों के कारण पूरे जीवन कहीं ना कहीं आपको तकलीफें उठानी पड़ती हैं, आपको पीड़ा झेलनी पड़ती है, तो ऐसे लोगों को गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। गुरु प्रदोष के व्रत पर सुबह शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत मतलब गाय के दूध, घी, शहद, घी, चीनी, इन 5 वस्तुओं को मिलाकर के पंचामृत बनता है, इसे अभिषेक करना चाहिए। संध्या के समय दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से भी लाभ मिलता है। शिवलिंग पर सुपारी, लौंग, पान ये भी आप चढ़ा सकते हैं। प्रसाद में घी और शक्कर के मिले जव के सत्तू का भोग लगाएं। भोग तो वैसे कुछ भी लग सकता है, लेकिन प्रदोष के लिए सत्तू का विशेष विधान कहा गया है, पुरानी प्राचीन परंपरा है। ऐसा करने से निश्चित रूप से शिव की कृपा मिलेगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके समस्त मनोकामना जरूर पूर्ण होगी।
चलिए पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी अगर कोई प्रदोष व्रत करना चाहता हो तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे व्रत को संपन्न किया जा सकता है ये भी बताइए जी। देखिए प्रदोष का व्रत कोई भी कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कुछ नियम हैं, कुछ सात्विकता बरतनी चाहिए पूजा के दौरान। वैसे ये सात्विकता के नियम प्रत्येक पूजा में पालन करना चाहिए, लेकिन शिव जी की पूजा में प्रदोष के व्रत में बहुत अनिवार्य हो जाता है। जैसे जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन पूजा वाले दिन धूम्रपान से आप बिल्कुल दूर रहें, साथ ही लहसुन प्याज मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जो है शरीर में तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाती हैं। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि किसी एक ही समय आपको आहार लेना है। वैसे तो अल्पाहारव यताहारव तन मनस्कौ समाहारव, मतलब अल्पाहार लेके मतलब थोड़ा सा खा के, यताहारव जिससे आपका काम चल जाए, या निराहारव मतलब आप कुछ मत खाइए, लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ पे है तन मनस्कौ समाहितौ, मतलब अपने वाणी को मन को कर्म से समाहित करके एकाकृत करके और उसके बाद देव आराधना करनी चाहिए। जैसे अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हैं तो चावल का सेवन ना करें, मतलब एक अन्न का विधान कहा गया है, या आप अकेले सिर्फ चावल खाइए। एक अन्न खाने का यहाँ अर्थ ये होता है अल्पाहार, कि मतलब आप बहुत हल्का खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ये खा रहे हैं ताकि आप के अंदर ऊर्जा का संचार बना रहे, शरीर में शक्ति बनी रहे। आप जितनी बार प्रदोष व्रत करने का संकल्प ले रहे हैं आप उतनी बार प्रदोष का व्रत जरूर करें, क्योंकि एक बात आपको बता दूं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। तो ऐसे में जब आपने संकल्प ले लिया है तो आप अपने पूरी शक्ति के साथ उस संकल्प को पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करिए। प्रदोष व्रत के बीच में छोड़ने का कोई विधान नहीं है, आप इसे बिल्कुल बीच में छोड़ने का प्रयास न करें। अगर आपने संकल्प ले रखा है और किसी वजह से आपने प्रदोष व्रत के दिन पूजा नहीं किया तो आप अपनी जगह किसी दूसरे की नियुक्ति करें, अपना प्रतिनिधि बना करके उसे कहें कि आपकी जगह पूजा करे, अगर आप अस्वस्थ हैं या आप उपस्थित नहीं हैं, या आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई शंकर जी के मंदिर का पुजारी हो सकता है, कोई पंडित ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, आप उससे अपनी पूजा जरूर सम्पन्न करवा सकते हैं। किसी व्यक्ति से पूजा कराने से भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपके करने पर, लेकिन आप उसे अपना प्रतिनिधि बना के यह पूजन करवाएं, इससे आपका संकल्प भी नहीं टूटेगा और आपके व्रत में भी यह नियमित रूप से माना जाएगा। इस दिन आप अपनी वाणी पे संयम रखें, मतलब किसी को कड़वी बोली ना बोलें, किसी को डांटे ना, किसी से गाली गलौज ना करें, सबसे अच्छे से बात करें और जितना हो सके अच्छे कार्य और अच्छे विचार को मन में रखने का प्रयास करें, इससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अच्छे फल जब मैं कहता हूँ तो वहाँ पे उसका मतलब ये होता है कि इस संसार के समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ ईश्वर की कृपा की भी प्राप्ति। इस संसार में सबसे बड़ी है ईश्वर की कृपा, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर उसके जीवन पे देव कृपा बनी है, उसके इष्ट की कृपा बनी है, तो उसके लिए इस संसार की कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं है, क्योंकि संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसी प्रभु का है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जो लोग ये कहते हैं कि कुंडली में ये योग है ये योग है, ये नहीं बदल सकता, ही असंभावी है, यह सच है कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो होगा ही होगा, लेकिन जिसने ये नियम बनाए हैं वह आपके लिए नियम बदल भी सकता है। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो एक बार आप मार्कंडे की घटना जरूर याद रख लें, मार्कंडे की उस जीवन की कथा को जरूर सोच लें, जब उनकी आयु सिर्फ 5 वर्ष थी, वह व्यक्ति अमर हो गया, कई युगों तक उसकी आयुर्दाय बढ़ गई। तो कहने का मतलब है कि नियम बनाने वाला वही जो है परमात्मा है, और उसी की कृपा से वह नियम बदल भी सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में आपकी हस्तरेखा में कुछ अशुभ है, कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है, तो वह भी आप बदल सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत है आपके श्रद्धा की और संपूर्ण समर्पण उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में। उसका रूप अलग हो सकता है, उसको नाम आप अलग रूप से ले सकते हैं, लेकिन वह शक्ति एक है, परमात्मा एक है। भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहें, निश्चित रूप से प्रदोष का व्रत आप सभी के जीवन में तमाम मंगल कार्यों को लेकर के, मांगलिक उत्सवों को लेकर आने वाला सिद्ध होगा। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि प्रदोष व्रत की मान्यताएं आखिरकार क्या हैं, किस तरीके से इस व्रत को संपन्न किया जा सकता है और किन बातों का ध्यान व्रत में रखा जा सकता है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।